हाय फ्रेंड, वेलकम टू बिप्लब पेट्स वर्ल्ड। आज आप लोगों को इस वीडियो में हम दिखाएंगे फार्मर लोग फार्म में मॉली, फ्लैटी, गप्पी और शॉर्ट टेल के लिए कैसे होममेड फूड बनाते हैं और फास्ट ग्रो करते हैं। वही प्रोसेस आज आप लोगों को हम दिखाएंगे। बहुत सारे लोग घर में मॉली, फ्लैटी, गप्पी और शॉर्ट टेल की ब्रीडिंग करती है। उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो एंड तक देखिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हम लोगों को और भी ज़्यादा मोटिवेशन आती है, और शेयर करना ना भूलिए। और जो लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल से आप लोगों को एक्वेरियम फिश रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करती है। फर्स्ट आपको एक अंडा लेना होगा। अंडे को आप बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आप उसके छिलका उठा लीजिए। छिलका उठाने के बाद आप एक प्लेट में एक चाकू के मदद से उसको चार पीस कर लीजिए। उसके बाद आप आपके घर में जो फिश फूड है वो फिश फूड ले लीजिए। मैं तो अपनी में यूज़ करता हूँ, आप लोगों के पास जो फिश फूड है वो ले लीजिए। थोड़ा सा एक पैकेट के अंदर लेके उसको अच्छे से पीस के पाउडर बना लीजिए। बहुत ही अच्छे से पाउडर बनाना होगा, एकदम बारीक पाउडर जैसे पाउडर बनाना होगा। पाउडर बनाने के बाद आप उसे एक छन्नी लीजिए। छन्नी में उसे अच्छे से छान लीजिए। जो मोटा 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 जो दाना रहेगा ऊपर रह जाएगा, पाउडर वो आपके नीचे चला जाएगा। देखिए कटोरी में कैसे एकदम बारीक पाउडर है, ऐसे पाउडर आप बना लीजिए फर्स्ट। उसके बाद वो अंडे के जो योक है वो ले लीजिए। लेने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स करिए। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, एकदम पेस्ट करके, जैसे पेस्ट हो जाता है उसे पेस्ट के टाइप मिक्स कर लीजिए। देखिए कैसा मिक्स किया मैं। उसके बाद एकदम पेस्ट जैसा बना दिया, देखिए। उसके बाद आप इसमें एक चम्मच पानी दे दीजिए। ऐसे घर में जो आम पानी रहता है वही पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद पानी को उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एकदम लिक्विड हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा सा उसके आपका जितना फूड है उसके हिसाब से पानी बनाइए। ज़्यादा पतला भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको डपर की मदद से दिन में चार बार अपनी बेबी फिशेस को खिलाइए। एक महीने के अंदर आपको मालूम हो जाएगा आपके फिशेस की ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रही है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।